ये ब्लू कलर का वायर है, इसमें अपना मतलब कहीं बॉडी में टच भी छुआ ना तो गाड़ी फुल रेस हो जाएगा मतलब। और ये वायर अगर निकल भी गया, जैसे इधर से अलग हो गया, तो भी मतलब स्टार्ट नहीं होगी गाड़ी। ये सॉकेट के अंदर था, इधर इधर जॉइंट रहता है, सॉकेट क्या ना ख़राब हो गया, इसके लिए मैंने डायरेक्ट किया है कटिंग करके। गाड़ी ना रनिंग में झटका लेती है। और ये सेंसर का वायर है, दो वायर है, देखो एक ये ब्लैक है, सिर्फ ब्लैक, पूरा ब्लैक आएगा और एक वाइट रहेगा। तो इस पर ना गाड़ी बंद हो रही थी, मतलब ये सॉकेट है ना यहाँ से सड़ के जंग पकड़ लिया था। तो मैंने सबको निकाल के अलग से जॉइंट मारा है ताकि गाड़ी अभी बंद नहीं पड़ रही है, ठीक है। तो भाई ये मैंने कटिंग करके अलग कर दिया पूरा सॉकेट को, क्योंकि ये ना पूरा सड़ गया था, अंदर से जंग पकड़ा था। तो कैसा, ये हिलाने पे ना गाड़ी मतलब करंट छोड़ पकड़ करता था, बंद पड़ती थी गाड़ी। इसके लिए मैंने इसको डायरेक्ट कर दिया, पानी जाने से पूरा ना अंदर से सड़ गया था ये। कैसा इसके अंदर जंग पकड़ा, देखो लास्ट में दिख रहा है आपको। और दूसरा ये सब देखो, इसमें भी पूरा एकदम जंग पकड़ा है, इसके लिए मुझे ना बदली करना पड़ा। ऐसा है, अभी मैं देखता हूँ स्टार्ट करके गाड़ी कैसा क्या पोजीशन है, क्योंकि गाड़ी ना बंद पड़ती थी तो पेट्रोल सुंघा के चालू करना पड़ता है, तो चालू होती है। इसके लिए मैं देखता हूँ चेक करके स्टार्ट होती है कि नहीं। ये गाड़ी कैसा ना स्टार्ट नहीं हो रही थी, मतलब स्टार्ट होती थी झटका लेती थी, बंद पड़ती थी, ताकत भी नहीं करती थी, बहुत प्रॉब्लम थी उसमें। अभी स्टार्ट तो बराबर हो रही है, फिर से एक बार और स्टार्ट करके देखता हूँ, बराबर हो रहा है, फिर से एक बार और देख लेता हूँ। तो इसमें मैंने अपना सेंसर लगाया था, ये गाड़ी का सेंसर है, क्योंकि ना गाड़ी बंद पड़ती थी। वापस इस गाड़ी का मैं सेंसर लगा के देख लेता हूँ क्या है दिक्कत। इसका सेंसर लगा दिया हुआ है, थोड़ा ये घस के भी ना छोटा हो गया है, देख सकते हैं आप पूरा घस गया कैसे। और ये सेंसर देखिए कैसा है, एकदम परफेक्ट इसका मार्किंग दिखा रहा है। और इसका देखिए कैसा घस के ना थोड़ा छोटा हो चुका है मतलब। तो मैं लगा के देखता हूँ क्या है प्रॉब्लम, स्टार्ट करके देख लेता हूँ। वापस देख लेता हूँ, तो अभी भाई लोग गाड़ी ना एकदम फर्स्ट क्लास स्टार्ट हो रही है, और सॉकेट मैंने डायरेक्ट कर दिया, एकदम परफेक्ट स्टार्ट हो रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं अभी। तो अभी मैंने इसी गाड़ी का सेंसर लगा दिया, क्योंकि पहले एकदम मतलब रेस छोड़ती थी, पेट्रोल डाल डाल के चालू करती थी, स्टार्ट होती थी, बंद पड़ जाती थी। अब मैं इसी गाड़ी का सेंसर लगा दिया हूँ। तो ये कपलर है, इसको मैं निकाल रहा हूँ, देखो कैसे निकलता है, इसको ऐसा पकड़ के दोनों हाथ से संभाल के निकालना पड़ता है। ये निकल गया है, अब इसका मैं तेज में, हाँ इसमें देखते हैं कितना पॉइंट बता रहा है। सब में पॉइंट बताना चाहिए, 256 बता रहा है, एकदम परफेक्ट लाइन है। ये 719 बता रहा है, एकदम परफेक्ट है। ये 127 बता रहा है, एकदम परफेक्ट है। ये 127 बता रहा है, ये भी ठीक है, ये भी एकदम परफेक्ट है।
ये जो बता रहा है ये भी ठीक है, मतलब सब में पूरा लाइन बराबर आना चाहिए। और इसमें एक 7 नंबर का है, इसमें टोटल पॉइंट बताना चाहिए। किधर गया? 12-15 बताना चाहिए, 12-15 चलेगा। तो ये कपलर का लाइन क्लियर है, ये सब में मतलब पॉइंट बताना चाहिए। ये बताएगा तो समझो आपका लाइन क्लियर है। इसको मैप सेंसर बोलते हैं, जो ये मतलब बताएगा हवा कितना सेंस कर रहा है गाड़ी में, मतलब एयर किन्नर को कितना हवा दे रहा है, वो हिसाब से ये बताता है एसीएम को कि इतना हवा आ रहा है इसके अंदर। इसको मैप सेंसर बोलते हैं, ठीक है। तो मैं इसको लगा देता हूँ। ये टेम्परेचर स्विच है, इससे मतलब बताएगा गाड़ी कितना हीट हुआ। तो ये स्विच मैं बदली करने वाला हूँ, क्योंकि ये टूट गया इसका पिन, तो मैं दूसरा लगा रहा हूँ। तो ये स्विच मैंने बदली किया, क्योंकि ये स्विच जो है ना टूट गया था यहाँ से, इसके लिए मैं बदली कर रहा हूँ। टेम्परेचर नहीं बता रहा था, अब ये दूसरा मेरे पास था तो ये मैं लगा रहा हूँ, ठीक है भाई। तो ये वायर है टेम्परेचर का, इसको मैं लगा देता हूँ, इससे बताएगा टेम्परेचर कितना है, टेम्परेचर बताएगा मतलब। तो ये वायर मैंने लगा दिया, अभी देख सकते हैं इधर चाबी ऑन करूँगा तो टेम्परेचर का कांटा थोड़ा बहुत हिलना चाहिए। ये 24 वोल्ट का कन्वर्टर है, जो ये 12 को 24 को 12 में करके बना के देता अपना पंप के लिए, BS3 16 16। देखते हैं गाड़ी स्टार्ट करके, सब मैंने कर लिया ओके। आरपीएम काम कर रहा है बरोबर, पर गाड़ी बंद पड़ जा रही है, अभी स्टार्ट नहीं हो रही है, ठीक है सर। तो वापस क्या हो सकता है, बंद पड़ जा रही है, फिर से देखता हूँ मैं मार्केट, नहीं हो रहा है। तो मेरे पास सेंसर पड़ा हुआ, वो मैं लगा के देख लेता हूँ क्या है दिक्कत। तो मैंने सेंसर दूसरा लगा लिया, अभी स्टार्ट करके देखते स्टार्ट होता है कि नहीं होता है। तो स्टार्ट हुआ था, वापस से एक बार और देख लेता हूँ। बंद भी कर दिया, वापस देखता हूँ।